this lecture are fashion design. Yes, bachcha log, welcome back. And now we are going very fast with this chapter, that is dual nature of matter and radiation. Again, this chapter is very easy. Numerical point of view, chapter will play a very important role this time. Do hi segment hai chapter ke, ek hai photoelectric effect aur ek hai dual nature of matter, that is de Broglie's hypothesis. Barabar hai? To do hi segment hai na iske. To pehla to photoelectric effect hai. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो स्टार्टिंग का हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है, रीडिंग कर लो बच्चा, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना, अच्छे से उसको रीड करना, ओके? उसके कुछ ग्राफ है कि इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट को, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट करता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट को, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, ओके? ये तीन सेगमेंट्स अच्छे से पढ़ने from Hertz and Lennard's experiment. ठीक है बच्चा, I hope you got it what I am saying. तो starting जैसे हम करेंगे chapter की, तो photoelectric effect के कुछ sums है, और इसमें मैंने कहा कि with the help of neat diagram describe the experiment to study photoelectric effect, that is the Hertz and Lennard's experiment. जो इसका अच्छा answer है, अच्छा question है, जो बहुत बार exam में पूछा है, that is characteristic of photoelectric effect. Total 4 characteristic है, और इन characteristic को how you are going to explain by using Einstein equation. In fact, Einstein ne kaise explain kiya characteristics of photoelectric effect. No doubt, this is again important. Then, construction and working of photocell. Ye ek achha question ho sakta hai. Toh, teen question maine kafi important bole. Par reading mein bol raha hu aapko is chapter ka. Khas karke question number 2 jo hai. Ki Hertz and Lennard's experiment. Usko thoda read karo. Uska diagram achche se draw karo. Graph draw karna. Wo sari cheeze yahan pe nahi likhi hui hai. तो वीडियो आप अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. ग्राफ किसका किसका ग्राफ, इंटेंसिटी का और करंट का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ, वो सारे ग्राफ आप एक बार अच्छे से कर लो. और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, यस स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट? सो लेट मी राइट दिस थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू, ओके? नेक्स्ट, फिर इसके न्यूमेरिकल्स मैंने एक, अब समझ लो 2-3 सेगमेंट में डिवाइड किए, ओके? यू विल सी द लिंक्स फॉर सॉल्विंग सम्स, ओके? यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक, माय ओल्ड वीडियोस, कुछ नए वीडियोस है, कुछ बहुत जूने 3-4 साल पुराने वीडियोस है, तो उनको आप देख सकते हो. इसके अगर सम्स आपको नहीं आते तो ये वाले सम्स मैंने फोटोन के ऊपर रखे और वर्क फंक्शन के ऊपर रखे, जो कि बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा, ओके? तो इसके ऊपर कुछ सम्स मैंने आपको दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो इसके क्वेश्चंस. फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इक्वेशन है उसके ऊपर के सम्स, ओके? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और खास करके इसमें मैं एक क्वेश्चन, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छे से करके जाना. क्वेश्चन नंबर 3 कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके? इज देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड और नॉट, ये वाला एक क्वेश्चन. और वेलोसिटी फाइंड करना, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना प्रोजेक्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का. तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको करके ही जाना है, फॉर्मूला बेस्ड है. पर व्हाट आई ऑब्जर्व कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले सम्स. यस बच्चे लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ओके? कुछ नहीं, आइंस्टाइन इक्वेशन ही है. स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ओके, माइनस फाइ नॉट, दैट इज द फॉर्मूला, राइट? ये आइंस्टाइन इक्वेशन है. और हाफ एम वी स्क्वायर के बदले आपको ई वी एस लिखना है. जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का समय आएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर के बदले सिर्फ ई वी एस लिखना है, सम सॉल्व हो जाएगा. देखो मैंने पहले ही बोला चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल करके ही जाने इसके,
बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, और मेरे तरफ से स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आएंगे करने को आपको, तो लिंक देख सकते हो, यू आर गेटिंग कंटिन्यूअसली सम लिंक्स, उसके ऊपर क्लिक करो, आपको आ जाएंगे इसके क्वेश्चन। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, दो आंसर इस चैप्टर में, एक आंसर अगले चैप्टर में, दैट इज एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो व्हाट इज मैटर वेव, उसका वेवलेंथ फाइंड करना, दिस क्वेश्चन ये, और दूसरा डी ब्रॉयज वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना, एक तो मैटर का फाइंड करना और फिर इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ फॉर्मूला एंड देन यू कैन सॉल्व दिस सम्स एंड दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, बस इतना ही चैप्टर है, बहुत सीधा साधा चैप्टर है। और मैं आपको बोल दूं, मेरा ऐसा एक स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन पेपर में बहुत जबरदस्त डिस्कवरी है डी ब्रॉयज का, तो क्वेश्चन पेपर इज इनकम्प्लीट विदाउट डी ब्रॉयज एक्सपेरिमेंट, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, प्लीज डोंट पुट दिस सेगमेंट फॉर ऑप्शन, खास करके न्यूमेरिकल्स, और आंसर उसका कि व्हाट इज डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, कैलकुलेट और फाइंड द वेवलेंथ फॉर अ मैटर वेव, ये क्वेश्चन जो है बच्चा बहुत 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 अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन में नहीं डालेगा, बस इतना ही चैप्टर, इतना छोटा, इतना प्यारा चैप्टर, दो ही सेगमेंट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा, आइंस्टाइन इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक कैसे एक्सप्लेन करती है पढ़ा, बस इतना ही, वो दो क्वेश्चन कर दिए, आइंस्टाइन इक्वेशन करने के बाद फॉर्मूले आ जाएंगे, उन फॉर्मूला पे आपको सम सॉल्व करने, या टाइम स्पेंड करो, बैठो एक दो घंटा पूरा कैलकुलेशन के साथ, लॉग कैलकुलेशन के सॉल्व करना, प्लीज डोंट गो फॉर अ शॉर्टकट, प्लीज प्लीज ये चैप्टर में बिल्कुल शॉर्टकट मत अप्लाई करना, यूनिट्स को देखना कि उसने एनर्जी जूल में दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं पर आपको याद रखना है, क्योंकि आपको 3 मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में, बराबर कि नहीं, ये चैप्टर में न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करके जाना, स्पेंड करो 2-3 घंटा, एक बार तो कम से कम सॉल्व करके जाओ, उनको अच्छे से स्टोर करके रखो, जब एग्जाम के दिन एक दिन पहले आप उनको सिर्फ गो थ्रू करो कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने किए हुए और कौन से क्वेश्चंस करने मैंने दिए हुए, राइट, हो गया कि नहीं, सबसे इजी सबसे सस्ता चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एंड आई होप यू विल डू इट कॉन्फिडेंटली। टिप याद रखना, सम पूरी तरह से सॉल्व करो, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो और ओरली मत करना, अच्छे से सॉल्व करके जाना, ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।